Hi students, today I am going to teach you about parts of a sentence. Second part. So, if you have not subscribed my channel, subscribe it because you get my updates video. Then start today's chapter. Parts of a sentence. लास्ट वीडियो में आपने जब पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस पढ़ा था तो उसमें आपने सीखा था कि सब्जेक्ट के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पहले का जो भाग होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। आगे बात आती है कि सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट्स हैं और प्रेडिकेट के कौन कौन से पार्ट्स हैं, और उनको आप अगर ज्वाइन करना है, आपको उसको रीऑर्डर दिया हुआ है, उसको ऑर्डर बुक में आपको रखना है, तो किस तरीके से आपको करना होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सीखना होगा पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट के काफी पार्ट्स होते हैं, ध्यान देना है आपको, जिसमें फर्स्ट पार्ट होता है क्वालिफायर, सेकेंड पार्ट होता है हेड वर्ड, नेक्स्ट पार्ट होता है एडजेक्टिव फ्रेज, और लास्ट प्रेडिकेट होता ही होता है। तो ये सब्जेक्ट के पार्ट्स हैं, क्योंकि आपको हमने पहले ही बताया है सब्जेक्ट आवश्यक नहीं है कि केवल एक शब्द का ही हो, सब्जेक्ट के एक से अधिक भाग भी हो सकते हैं। तो क्वालिफायर के भी कितने पार्ट्स होते हैं? टू पार्ट्स होते हैं, डिटरमाइनर और सेकेंड होता है एडजेक्टिव। डिटरमाइनर के अंतर्गत ए, एन, द, मच, मैनी, फ्यू, ये सारे वर्ड्स आते हैं। दैट, दिस, दोज, दीज, ये सारे वर्ड्स भी डिटरमाइनर के अंतर्गत ही आते हैं। इनको हम क्वालिफायर भी डायरेक्टली कह सकते हैं, अगर हम इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं तो इसको हम डिटरमाइनर भी कह सकते हैं। क्वालिफायर का ही दूसरा पार्ट होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता को व्यक्त करे, विशेषता अच्छी या बुरी दोनों रूप में हो सकती है। जैसे ब्रेव है, ब्रेव माने बहादुर, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, ये सभी क्या है? विशेषता है। नेक्स्ट पार्ट होता है इसका हेड वर्ड। हेड वर्ड के अंतर्गत नाउन या प्रोनाउन या अन्य कोई वर्ड भी आ सकता है। नाउन का मतलब होता है किसी व्यक्ति का नाम, प्रोनाउन का मतलब होता है उस व्यक्ति के लिए किस किस नाम से उसे बुलाया गया है, जैसे ही, शी, इट, दे, यू, वी, ये सभी होते हैं प्रोनाउन। ई टी सी से मतलब यहाँ पर है जैसे फादर है, चाइल्ड है, प्लेयर है, ये सारे वर्ड्स किसमें आते हैं? हेड वर्ड यानी कि नाउन, प्रोनाउन या ई टी सी में, जैसे बॉय है, चाइल्ड है, ये सभी क्या कहलाएंगे? हेड वर्ड। नेक्स्ट पार्ट होता है इसका एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या कहते हैं? कि इन सभी चीजों के लिए, जैसे ब्रेव बॉय, दैट ब्यूटीफुल चाइल्ड, क्या क्वालिटीज रखते हैं, अगर उनके विषय में बताया जाए तो वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। जैसे दैट ब्यूटीफुल चाइल्ड इन ब्लू ड्रेस, यानी कि वह सुंदर बच्चा नीली ड्रेस में है, क्या कर रहा है? वह मुस्कुरा रहा है। तो ये कौन सा हो गया? पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट। जैसे आपको ये हम बताएं एग्जांपल में, जैसे ये है द एनिमी वाज फोर्स्ड टू रन, तो द एनिमी, एनिमी मीन्स होता है दुश्मन। अब वाज क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब है। फोर्स्ड क्या है? वर्ब है। टू रन क्या है? इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट है। ये आपको नीचे बताएंगे पार्ट्स ऑफ अ प्रेडिकेट में। अभी हम कितना सीखेंगे? पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है? पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट को
अंडरलाइन करना है, और पार्ट्स ऑफ का ये प्रेडिकेट हमारा छूट गया पूरा। तो पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट क्या है, ये है। अब इसमें ओनली टू वर्ड्स यूज किए हैं, तो इसको आपको पहचानना है इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज किए गए हैं। तो द क्या है, द हमारा क्वालिफायर है और द हमारा डिटरमाइनर भी है। एनिमी क्या है, एनिमी है हमारा हेड वर्ड, या फिर इसको हम नाउन भी कह सकते हैं। ठीक, क्लियर होगी होगी। दो दो चीजें जो बताई गई हैं, क्वालिफायर मेन लीडर हो गया और उसके पार्ट्स हो गए टू, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। इस तरीके से इसको आपको फिलअप करना है। इसके मेथड दो तीन आ जाते हैं। पहली चीज तो ये पूछने के लिए आ जाता है एग्जाम में कि ये द क्या है, एनिमी क्या है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है इसका, जैसे ये दे दिया हमने एनिमी द, इसको आपको सीक्वेंस में लगाना है, यानी कि सही ऑर्डर में लगाना है, इसकी रीऑर्डरिंग करनी है। रीऑर्डर का मतलब होता है दोबारा से इसको सही तरीके से लगाना। तो द हमेशा पहले आता है, डिटरमाइनर हमेशा पहले आएगा, नाउन हमेशा बाद में आएगा, इसलिए हमने क्या लगा दिया, द एनिमी वाज फोर्स्ड टू रन। नेक्स्ट है आपका टेबल टू में पार्ट्स ऑफ अ प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ अ प्रेडिकेट में कितने पार्ट्स होते हैं, देखिए यार मौसम भी बहुत खराब है, लगातार बारिश हो रही है। देखिए पार्ट्स ऑफ अ प्रेडिकेट में क्या क्या दिए गए हैं, देखिए वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पहले नंबर पर आती है हमेशा, सेकंड नंबर पर आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, थर्ड नंबर पर आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव, ऑब्जेक्ट जीरेंड। देखिए इतने सारी चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही सेंटेंस में ये सारे पार्ट्स आपको मिल जाएं, लेकिन जिस सेंटेंस में आपको जो भी पार्ट मिले आपको पहचानना होगा कि इसमें ये पार्ट्स दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, किस तरीके से लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना ही लगाना है, ऊपर बताई दिया आपको हमने। इसके बाद में आपको वर्ब लगानी होगी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना होगा। फिर उसके बाद ये वर्ड यदि दिए हैं तो लगाइए, नहीं दिए हैं तो उसको क्रॉस कर दीजिए, छोड़ दीजिए। जैसे गेव मी अ पेन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जितने भी सजीव लिविंग प्रोनाउन होते हैं उन सभी को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जितने भी हमारे नॉन लिविंग होते हैं ऑब्जेक्ट्स उनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, ये नॉन लिविंग होते हैं तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। एक बात ध्यान रखना, यदि यहाँ कहीं प्रीपोजिशन आपको मिल जाती है सेंटेंस में, जैसे ये वो गेव मी अ पेन टू मिल जाए आपको इस सेंटेंस में टू, तो आप क्या करोगे, तो हमें क्या करना होगा, पेन जो है अ पेन पहले रखेंगे, मी बाद में रखेंगे, तो कैसे बोलेंगे, ही गेव अ पेन टू मी, अगर हमें आपको टू मिलता है तो, अगर नहीं मिलता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रखेंगे। जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिखा है यू गेव मी अ पेन, इसको हम अगर हमें टू मिलता तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे यू गेव अ पेन टू मी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। क्लियर। फिर ये वर्ब हमने दी है एंजॉयड, इसमें कुछ नहीं दिया है। स्विमिंग, स्विमिंग मतलब आई एन जी अगर वर्ब में लगी है और वर्ब के बाद में दिया गया है वर्ब तो उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट जीरेंड। नेक्स्ट सेंटेंस है प्रोमिस्ड मी टू हेल्प, फिर दिए है वर्ब के बाद में, फिर से वर्ब दे दी और इससे पहले क्या यूज किया टू, अगर वर्ब के बाद वर्ब दी है और उससे पहले टू लगा है तो इसको हम कहेंगे इन्फिनेटिव वर्ब। ये चीज हमने आपको पिछले चैप्टर रिमूव टू यानी ट्रांसफॉर्मेशन सिखाई है, रिमूव टू उसमें भी ये चीज हमने आपको बताई है, इसीलिए चैप्टर बताया आपको रिमूव टू। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सभी लोग किसी भी क्लास के हों ध्यान से पढ़ें, क्योंकि
जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं आप, तब भी रिमूव टू वाले जो सेंटेंस होते हैं इन्फिनेटिव्स की, वहां भी आवश्यकता आपको पड़ती है। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन वाला रिमूव टू चैप्टर है उसको आप अवश्य पढ़ें। इसके बाद आपको हम कुछ एग्जाम्पल्स करके बताते हैं जिसके सहारे आप आसानी से पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट या फिर रीऑर्डरिंग कैसे करेंगे उसके बारे में आपको हम जानकारी दिए देते हैं। देखिए मैंने 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं जो हमने आपको चारों बातें बताई, चारों ही चीजें इसमें दी गई हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसमें आपको बताना है राइट द सब्जेक्ट पार्ट्स। सबसे पहले आप सब्जेक्ट अलग करोगे, प्रेडिकेट अलग करोगे इसमें, फिर उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है उसके पार्ट्स अलग अलग बताओगे। जैसे इसमें है द अर्थ, द क्या कहलाएगा, अर्थ क्या कहलाएगा, आप इसको यहाँ पर लिख दीजिए जैसे अभी हमने ऊपर आपको टेबल में बताया था। सेकंड सेंटेंस है, ब्लैंक कर दिया हूँ, है राइट माय फ्रेंड्स ऑल। अब आपको देखना है कि सबसे पहले आपको क्या वर्ड लगाना है, तो ऑल माय फ्रेंड्स, फिर अजय रोट अ लेटर, ये पूरा सेंटेंस लिखा है, और राइट द प्रेडिकेट पार्ट्स। अब इसमें क्या करना है आपको, केवल प्रेडिकेट पार्ट्स बताना है। सबसे पहले सब्जेक्ट अलग करिए, प्रेडिकेट अलग करिए, और प्रेडिकेट पार्ट्स जो आपने अलग किया, अब इसमें वोट क्या है, अब क्या है, अ लेटर क्या है, अ लेटर पूरा शामिल होगा इसमें, मिस्टर सक्सेना। अब इसमें क्या है, जो प्रेडिकेट पार्ट है उसको रीअरेंज करना है, अस इंग्लिश टॉट, तो सबसे पहले क्या आएगा, वर्ब आनी चाहिए, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरीके से ये बनेगा। एक और सेंटेंस बता रही हूँ पूरा रीऑर्डर में जो बनता है, जैसे हमने एक सेंटेंस यहाँ दे दिया आपको, टोटल रीऑर्डर करनी है। जैसे हमने बोला ब्रेव, पीपुल, देयर, फाइट, कंट्री, ब्रेव, पीपुल, देयर, फाइट, कंट्री, इसको आपको क्या करना है, रीऑर्डर। एग्जाम में आने का जो मेथड है किसी भी तरीके से ये आपका आ सकता है। ये 5 मेथड्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, यानी 5 मेथड्स को आपको तैयार करना होता है। ये रीऑर्डर जो होता है बहुत ज्यादा आता है, और सेकंड और फोर्थ नंबर भी आता है, और फर्स्ट और सेकंड नंबर वो थर्ड नंबर कम आता है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये भी आता है, जरूरत इसकी भी पड़ती है। तो इन 5 टाइप्स के तरीके आप अच्छे से पहचान लीजिए। तो इसको आपको सिक्वेंस में लगाना है, सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा देखना है आपको, उसके बाद आप एक्सरसाइज, इसकी आप पर जो भी बुक अवेलेबल हो उससे एक्सरसाइज करते रहिए।